अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। हम भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें बहुत सा वेलकम। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। तो जी, ये देखें, आज सुबह से हमारे यहाँ बारिश लगी हुई है। आज स्नो का बताया हुआ है और आज है फ्राइडे, तो शुक्र है बच्चे 12 बजे तक आ गए थे घर, फिर स्नो पड़नी शुरू हुई थी। स्नो स्टार्ट हो गई है भाई, हल्की है अभी, थोड़ी थोड़ी सी फेस फेस नज़र आ रही होगी। ये इधर है ना हरीम, और हरीम फातिमा बाहर देख रही है ना। और ये क्या कर रहे हैं बीबी? ये आपने भी बाहर देखने हैं? क्या देखोगे आप? नए क्या देख रही हो? नए स्नो शुरू हो गई, आपने जाना है स्नो में बाहर। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इतनी ज़्यादा ठंड में फिर यखनी सूप वगैरह पीने को दिल करता है। ये फिर मैं बना रही थी यखनी, मैंने मटन का लिया है उसकी बना रही हूँ मैं यखनी, बच्चों के लिए भी, बच्चों भी और हम सभी पी लेंगे, सर्दी में अच्छा रहता है। तो मैंने इसमें प्याज डाली है, साबुत गरम मसाला जो होता है सारा वो डाला है, नमक डाल दिया था, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाल दिया था। अच्छा, ये देखें, मुझे पहले वाला जो था ना बाहर का, वो 12 बजे का टाइम था और ये 2 बजे का टाइम है, और 2 घंटे में देखे कितनी ज़्यादा स्नो पड़ गई है, सफ़ेद हो गया तकरीबन सब कुछ। और बस ये आज पूरा दिन ही पड़ती रहेगी। और ये देखिए, हमारी यखनी भी रेडी हो गई है, तो अब हम यखनी इंजॉय करते हैं। हीटिंग मैंने वैसे ऑन की हुई, आज बड़ा ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा ठंडा हुआ हुआ है। आज मैंने सारे इसमें साबुत गर्म मसाले डाले थे, तो फिर बच्चों को होती है प्रॉब्लम के मुंह में आ रहा है मम्मा, फिर मैंने कहा इनको ना छान के ना फिर दे देती हूँ यखनी। चलें जी, अब आ जाते हैं शाम के खाने की तरफ। तो आज मैं बना रही थी भिंडी, आपको याद होगा मैं लाई थी भिंडियाँ, मैंने फिर वो फ्रीज रख में रख दी थी, दो दो पैकेट बना के, एक मैंने बना लिया था काफ़ी दिन पहले, तो एक मैं अब ये गोश्त के साथ बना रही थी। तो जी, मैंने मटन का ही लिया है गोश्त भी, तो मैंने उसमें अदरक लहसुन डाल दिया, एक प्याज डाल दिया है और नमक डाल के और 1 गिलास पानी डाल के, तो मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पर गलने के लिए। और मैं अब आपको दिखाऊंगी, देखना भिंडियों को कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही हैं कलर शलर उसका, फ्रीज में ऐसे रख दो तो वो सही रहती हैं। इधर फिर कभी कभार ही होता है कि आपको जाओ तो आपको भिंडियां अच्छी मिल जाएं, भिंडी हो गई, करेले हो गए, तो फिर हम लोग इधर जो बाहर रहते हैं वो समझ सकते होंगे कि हम ऐसे ही करते हैं, फिर ला के रख लेते हैं फ्रीज़र में, ताकि फिर जब ज़रूरत हो जब बना लें। ये देखें जी, गोश्त हमारा गल गया है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है, थोड़ा सा ही रह गया ये पानी। तो अब मैं पहले भिंडियों को फ्राई कर लूँगी, मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है और अब मैंने ये भिंडियाँ निकाली हैं फ्रीज़र से और डायरेक्ट इसमें डाल दी हैं। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है, मैं अब इनको फ्राई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे ही। और जो इसमें जी खुश मसाले जाएंगे, उसमें मैंने लिए हैं जी रेड चिली पाउडर लिया है, कोरिएंडर पाउडर है और हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और नमक, नमक हमने यखनी में भी डाला था तो नमक आप अपने हिसाब से रखना, और बाकी भी मिर्ची वगैरह आप अपने हिसाब से चेक कर लेना। और ये मैंने दही ली है एक छोटी प्याली, और एक मीडियम साइज़ का मैंने टमाटर लिया है और 2-3 हरी मिर्ची ली हैं। तो टमाटर को मैंने बारीक काट कर दही में डाल दिया था और उसको हरी मिर्चों को भी दही में मिक्स करके, तो वो मैंने फिर साइड पर रख लिया है। ये जी भिंडियाँ हमारी हो गई हैं रेडी, फ्राई हो गई है यानी कि, तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ साइड पे प्लेट में। और अब मैं इसी ऑयल में मैंने 1 टीस्पून जैसे ज़ीरा डाल दिया है, और जो मटन हमने गला लिया था जैसे प्याज और अदरक लहसुन और नमक डाल के, तो वो अब मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है जी, अब मैंने फ्लेम को कर लिया है फुल, क्योंकि जो थोड़ा सा पानी है इसको भी मैंने खुश्क ही करना है। और अब मैं साथ ही इसमें जो मसाले वगैरह ना वो भी डाल दूँगी, और जो टमाटर और दही का बना के हमने रखा है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसको पहले मिक्स कर लेती हूँ।
और ये देखें मैंने ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं, और दही, टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। फ्लेम अभी मैंने फुल ही रखा हुआ है, अब हम इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे मज़ेदार सी, ताकि ऑयल अलहदा हो जाए मसाले से। और जी ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए, और ऑयल बिल्कुल अलहदा हो गया और दही और जो टमाटर वगैरह थे उसका एक अच्छा सा ग्रेवी सी बन गई है। तो अब मैंने इसमें सारी भिंडियाँ जो थी वो डाल दी हैं, और अब मैं फ्लेम को कर दूँगी स्लो पे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी लीड लगा के इसकी। तो जी ये देखें हमारी मज़ेदार सी भिंडियाँ हो गई हैं रेडी, और अब आप साथ बनाएं गरम गरम रोटियाँ इसके, और मज़े से खाएं और इन्जॉय करें। और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों की कैसी बनी थी और वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलें जी फिर वीडियो का करते हैं एंड, और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद, कल मिलेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।